और वापसी कर रही मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद एक ग्राफ बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे इसे रखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, तो देखो मैं स्ट्रेट लाइन है पिक्चराइजेशन कर देता हूँ तो और परफेक्ट हो जाएगा, तुम्हें बात समझ आएगी कि यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है स्ट्रेट लाइन। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना ये, देखो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चली है तो वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर ही शिफ्ट हुई है। तो जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। आज के बारे में क्या कहना, अगर मैं ग्राफ पोजीशन टाइम में ऐसे पैराबोलिक कर दूं, ऐसे कर्व के फॉर्म स्ट्रेट लाइन ना बनाऊं उसे कर्व बना दूं, तो क्या आप इसमें ये कह सकते हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस की ट्रैवलिंग है? कदापि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो टाइम कम बढ़ा, डिस्टेंस वो ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस की ट्रैवलिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। तो फिर ये क्या है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, और वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो लोग इसको कह देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट हाउ, व्हाई? चलो मैं तुमको बताता हूँ। जिन बच्चों ने क्लास 11th में पैराबोला पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, तो मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जानकारी हल्की सी देता हूँ। पैराबोला जिनने जिनने पढ़ा हो, तो पैराबोला वाई एक्सिस वाला दिवाकर कुछ ऐसा होता है क्या बेटा, और वाई एक्सिस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। मैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग टू जाऊं तो मैं वाई एक्सिस में क्या है, वाई है और ये एक्स है, तो मैं इसकी और इसकी कंपेरिजन करूं तो वाई की जगह पर क्या है एस है और एक्स की जगह क्या है टी है, तो मैं इसकी और इसकी कंपेरिजन करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं टी स्क्वायर इक्वल टू 4ay की जगह एस, यानी एस का टी से संबंध मिल गया एस इक्वल टू टी स्क्वायर अपन 4a। आपको याद आता होगा ये जो a है ये कांस्टेंट है, 4a पूरा एक कांस्टेंट है जिसको लेटस रेक्टम कहते हैं, वो फोकस की पोजीशन कहते हैं, a तो कांस्टेंट होता है ना। आप देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, आगे मैं अपने 11 के बच्चों को पढ़ा चुका हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिलती है, मिलती है। तो जरा इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो दिवाकर, ds अपॉन dt को भी कह दूंगा 1 अपॉन 4a एज ए कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और अगर मैं वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए अब पक्का पता चल गया कि ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई, क्या ऐसी हुई ना, और ये इक्वेशन ऐसे जो हो गई ये बता रही कि वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आप इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हो क्या? लोग दलील देने लगते हैं कि यार ये कैसे आपने कह दिया ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट हाउ व्हाई, तो व्हाई का जवाब दे रहा हूं। ये कर्व देखो, ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन अगर ये पैराबोलिक शेप में ऊपर को चढ़ गया है तो वाई एक्सिस का पैराबोला ये होता है, इसकी कंपेरिजन मैंने इससे कर दी, इसका टी का इक्वेशन एस से निकाल के देखा मैंने, एक बार डिफरेंशिएट किया तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो कैसे? नहीं ना, तो एक बार अगर और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यू नो। तो 1 अपॉन 2a एज ए कॉन्स्टेंट आ गया, 2a को आप एक्सेलरेशन ना कहने लग जाना और टाइम का डिफरेंशिएशन बन, आप देखिए ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। तो मैं फारसी में बोला था कि अगर एसटी ग्राफ में पैराबोलिक लाइन ऊपर को चढ़ रही है तो ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या कहलाता है, और पॉजिटिव साइन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मैं एक्सेलरेशन हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि एसटी ग्राफ में पैराबोलिक लाइन जो होती है ऊपर को जाती हुई, पैराबोलिक कर्व जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। परफेक्ट है या कोई कन्फ्यूजन है? अब इसी में कई बार हम लोग ऐसी ग्राफ एक्टिवेट करते हैं ऐसे, तो आपको पता ही है पैराबोला ही है लेकिन निगेटिव एक्सिस का पैराबोला है। देखें अगर इस पैराबोला को मैं ऐसे बनाता तो निगेटिव ना चला जाता, अरे इसी का निगेटिव नहीं होता, तो अगर निगेटिव होता तो यहाँ माइनस आता,
माइनस आता तो डिफरेंशिएशन करने माइनस कहीं चला तो जाता नहीं, तो वही एक्सेलरेशन निगेटिव का आता। तो जब ऐसे पैराबोला ग्राफ में ऐसे गिरता हुआ पैराबोला होगा तो आप इसको बोलते थे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म अब आज की बात तो नहीं बोलोगे दिवाकर, ये परफेक्ट कंसेप्ट है बेटा यूनिफॉर्म। सारे पोजीशन टाइम ग्राफ की थ्योरी क्लियर हो गई। अब पोजीशन टाइम ग्राफ से बाहर निकलते हैं तो मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता हूं। ये सारे पोजीशन टाइम थे, अब आपके लिए ले आया हूं आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओरिजिनल सात ग्राफ ही है ये, यानी इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ग्राफ में जितने मोशन के सवाल हैं चाहे वो एनसीईआरटी में हो, चाहे यूनिवर्सल में हो, चाहे एससी वर्मा में हो, हम आराम से फॉलो कर सकते हैं और बढ़िया से लग जाएंगे। अब नई कंसेप्ट क्या आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस सब डिस्प्लेसमेंट हटा दो और यहां क्या लिखवा दो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सातों ग्राफ का बेसिक फीचर सेम है। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट हटा दिया दिवाकर और यहां वेलोसिटी लिख दी, बताना हर्षित, तो ये सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो गए। अब सबकी इंफॉर्मेशन लिखनी है कि ये क्या है, तो अगर मैंने यहां से डिस्प्लेसमेंट को हटा दिया इसकी जगह वेलोसिटी कर दी है तो दिवाकर क्या आप भी आप कहेंगे बॉडी एट ना, कहेंगे तो क्या कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे पता चल गया, क्योंकि ये वेलोसिटी का एक्सिस है, आखिरकार मूल बिंदु से ऊपर उठोगे तो यहां कुछ तो मिलेगी वेलोसिटी होगी। अब इस जगह चल के मान लो 40 होगी, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो और कहीं बढ़िया खाली रोड मिली सुहाना सफर हो गया तो 40 कर लिया बढ़िया मस्ती से 40 में जा रहे हैं, ये वही तो टाइम कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है और आप 40 की स्पीड बिल्कुल ना 41 हो रही ना 39 हो रही, इतना बढ़िया एक्सीडेंट। कुछ लोग चलाते हैं ना ऐसी गाड़ी काफ़ी देर तक बिल्कुल यूनिफॉर्म रहते हैं, मैं भी चला लेता हूँ इसी कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते रहेंगे तो बॉडी का ट्रस्ट हट जाएगा बढ़िया से। आप क्या बोलोगे कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए ये कहीं से ज्ञान आता नहीं, पिक्चर देख के क्लियर होगा। आप बताओ ऐसा हो सकता है क्या बिना टाइम गंवाए आपकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, कितना बड़ा मशीन कितनी बड़ी पावरफुल मशीन दिए एक्सेलेटर लोगे तो उसकी स्पीड बढ़ने में टाइम तो लगेगा ना, कितना बढ़िया से बढ़िया जेट इंजन ले आओ रॉकेट इंजन ले आओ, लेकिन क्या पॉसिबल है क्या जीरो टाइम कमाए बिना वेलोसिटी जीरो से 100 होना या जीरो से 50 होना, पता लगे कहाँ घुस गए खत्म। कल भी इम्पॉसिबल था आज भी इम्पॉसिबल, क्या कहना है इसके बारे में, कैसे पता चला ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें दिखने में लगा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हर्षे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। अब टाइम बढ़ता रहे वेलोसिटी बढ़ता रहे तो कब होता है, जब मोटरसाइकिल का कान पकड़े यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या नाम देंगे आप इसका, यहां पर त्वरण निर्धारित है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है लगातार, तो वेलोसिटी लगातार जब बढ़ती है तो आपकी मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, कि इतना एक्सेलरेशन है तो ये क्या कह रहा है यूनिफॉर्म। व्हाट इज दिस, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है कि नहीं, बट नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है विराम से गति आरंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। देखिए जैसा कि यहाँ था, ऐसे विराम से गति आरंभ करी थी यानी तब टी जीरो था तो वेग भी जीरो था, लेकिन यहाँ देखा जब विराम यानी टी जीरो है तो वेग पहले से इसका कुछ ना कुछ है, यानी वस्तु विराम से गति आरंभ प्रारंभिक वेग है उसमें कुछ। इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट बॉडी हैव सम वेलोसिटी विद इट, बॉडी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी कह सकते थे। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है भैया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, और ये कब होता है जब ब्रेक लगाते हैं कैसे ड्रॉ करने में, हाँ ब्रेक लगाने पर बंधन होता है तो यूनिफॉर्म
रिटार्डेशन एनिमेंटर, क्लियर है? ये वो परफेक्ट कंसेप्ट है जिसके हवाले पर आप कुछ भी कर सकते हैं, पक्का है ना। चलो अब विद्वान इसको कहते हैं, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको क्या कह देते हैं, तब फिर चक्कर चक्कर आने लगता है। ये तो सबको बता देता है और सबको आता रहता है, जब यहाँ पर सवाल उठता है व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो रोना आने लगता है। मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ क्यों ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जबकि पोजिशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं बताता हूँ, मैंने कहा ग्राफ जब ऐसे होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है पैराबोला में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई। तो अब मेरा एक्स की जगह पर तो टी है और वाई की जगह पर वी है, तो मैं इस पैराबोला की इक्वेशन में एक्स का रिप्लेसमेंट किससे करूँगा, टी से, तो टी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए। फोर ए इज ए कॉन्स्टेंट, वाई की जगह पर मेरा यह क्या है, क्या कहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन मिल गया है। मैं कह सकता हूँ वी इक्वल टू दिवाकर टी स्क्वायर बाई फोर, अच्छी फीलिंग आ रही है। और वेलोसिटी को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाए, सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का एक्सेलरेशन, तो मैं अगर इसे डी वी बाई डी टी बोलूँ, वन अपान फोर ए एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पक्का? तो dv by dt को कहते क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इससे इसको काट डालो तो क्या आ गया, d by 2a, d by, तो जो एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुआ है वो प्रोपोर्शनल टू t है ना, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब ये VT ग्राफ हो जाता है तभी हम लोग इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि जैसे t बदलेगा वैसे एक्सेलरेशन बदलेगा, तो ये क्या हो गया। और उसी में ग्राफ नीचे को आ रहा है तो माइनस में आता तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, पक्का? डाउन ग्राफ पैराबोला का नेगेटिव होता है, नेगेटिव वहाँ आता रहेगा तो रिटार्डेशन से बढ़ता रहेगा। तो अब आप ग्राफ तो क्लियर है, आप कह सकते हो इस ग्राफ के लिए इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे गिरेगा तो क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बिल्कुल। अब क्लियर हो गया, आज एक पक्का कंसेप्ट हो गया है कि नहीं हो गया है, ये कब का पढ़ा जाता है, 11th में पढ़ा जाता है ना, ठीक से। अब इसको बच्चे हमारे छोड़ आते हैं कि मैं अब बाद में पढ़ूंगा, ये 11th में पढ़ाया है, सही? तो ईमानदारी से बताना दिवाकर, क्या 11th में तुमको ये बातें बताई गई थी कभी? लिख लो, क्या लिखने से आ जाएगा ये? ये फिजिक्स दोस्त यहाँ उतारने से आती है, कितनी बार और कैसे समझाऊं इसी बात को, हो गया खत्म। मैंने कहा 15-20 मिनट का डिस्कशन होगा, लाइफ टाइम क्लियर कर दूंगा हमेशा के लिए।